कैथल के विधायक लीला राम व चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने करीब 85 लाख रुपए से तैयार मंदिर में रसोई भवन का उद्घाटन, सामुदायिक भवन का शिलान्यास और रेबारी धर्मशाला का शिलान्यास किया है। इस मौके पर कैथल के तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने कहा कि नगर परिषद की ओर से किसी भी तरह की जनता के लिए कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि जनता के लिए विकास कार्यों को और गति दी जाए। वहीं विधायक लीला राम ने कहा है कि रिंग रोड जो बनाया गया है उससे लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा और जो उस सड़क से गुजरेंगे उनको भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा, यातायात सुगम रहेगा। और कहा है कि मुख्यमंत्री से बातचीत करके और भी आगामी इस तरह की योजनाएं हैं जिससे कैथल वालों को लाभ मिलने जा रहा है। आइए सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ये उद्घाटन कार्यक्रम चल रहे हैं। आज ये हमारा, मेरा और हमारी चेयरपर्सन है बेटी सुरभि जी का हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों पूरी टीम के साथ 11 रुद्री शिव मंदिर में आए, यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने का मौका मिला और यहाँ पहले घोषणा हुई थी रसोई के बारे में, बाथरूम जो अनकम्प्लीट थे उनके आज कम्प्लीशन हुई है उनके, उसके लिए आगे विशेष तो यही था कि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आए, हमारा उद्देश्य भी यही था। और हमारे विनोद जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कुछ काम अधूरा है उसको पूरा करवाने का, हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। रिंग रोड का भी निर्माण करवाया गया है, उससे किस प्रकार का फ़ायदा लोगों को मिलने वाला है? वो तो एक कैथल के लिए बहुत बड़ी सौगात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको, मैंने पिछले विधानसभा में उठाया था और उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसको मंजूर करके बनवाने का काम किया और बन करके लगभग तैयार हो गया, थोड़ा सा काम अधूरा है और उस पर मेरा आइडिया है कि 20-22 करोड़ के लगभग उस पर खर्चा आया है। वो पाड़ला खनोरी रोड से मानस रोड, मानस रोड से सिरटा रोड, सिरटा रोड से चीका पटियाला रोड और चीका पटियाला रोड से खुराना रोड तक बनकर के तैयार हो गया है। भविष्य में और क्या कुछ विशेष कैथल को मिल सकता है, क्योंकि पीछे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था लेकिन नहीं आ पाए, क्या आगामी कोई इस तरह की कार्रवाई है? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो आते रहते हैं परंतु हमारा अगला टारगेट भी, मैंने उस दिन भी कहा था जब हम उस निरीक्षण करके आई सारी टीम हम इकट्ठे थे, तो मैंने विधानसभा में भी आपकी बार रखा है कि खनौरी रोड से वाया फ्रांस वाला कुतेपुर रोड और जींद रोड तक भी उसको बनवाने का काम करेंगे, क्योंकि उसके बनने से कैथल का एक तो चारों तरफ रिंग रोड बन जाएगा और वहाँ पर 100 एकड़ में जो नई अनाज मंडी बनी है, जितने भी किसान चाहे धान की ट्राली है, चाहे गेहूं की ट्राली है, चाहे तूड़ा और पराली की ट्राली है, उनको शहर में एंटर नहीं करना पड़ेगा बाहर की बाहर, चाहे उन्होंने जींद जाना है, हांसी जाना है, रोहतक जाना है, झज्जर जाना, कहीं भी बाहर के बाहर उनको रास्ता मिल जाएगा जी। मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की थी कि अधिकारी कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, इस फैसले को कैसे देखते हैं सर? बढ़िया है फैसला, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, बहुत अच्छा फैसला है और इससे अधिकारियों में चुस्ती फुर्ती आएगी, कार्यकर्ताओं के काम होंगे, बहुत अच्छा फैसला है। पेयजल और सीवरेज के लिए भी कुछ परियोजनाओं नहीं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल करके पैसे दिए हैं, हमने उनसे मांग की थी, उन्होंने 8 करोड़ रुपए भेज भी दिए और वो 8 करोड़ से 11 एकड़ में 17 से 18 फुट गहरा टैंक बनकर के तैयार होगा। जब वो टैंक बनकर के तैयार हो जाएगा पूरे कैथल शहर में, चाहे नहर 1 महीना 40 दिन 42 दिन में जितने भी आएगी, नहरी पीने के पानी की कोई कैथल शहर में कमी नहीं रहेगी और वाटर सप्लाई के लिए नई पाइप लाइन के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए कैथल में दिए हैं, भेजे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 11 रुद्री मंदिर एक विशेष मंदिर है जो महाभारत काल से बहुत ही पुराने समय महाभारत काल से बहुत ही प्रसिद्ध है, शायद पूरे हरियाणा नहीं पूरे विश्व में 11 रुद्री मंदिर यही है। और जैसे हमें विनोद जी ने बताया कि यहाँ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे रसोई है, यहाँ के टॉयलेट हैं, कुछ काम अधूरे हैं, तो हमने अपनी जिम्मेवारी समझकर इन कामों को पूरा करने का जिम्मा उठाया और इसे पूरा करने का पूरी तरह से प्रयास करा।
और क्या कुछ ऐसे काम है जिनको लेकर आगामी रोड मैप तैयार करिए जिससे कैथल के लोगों को लाभ मिलने वाला है? जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि हमने हमारी हाउस मीटिंग में 8 गेट पास किए थे, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है जिसे हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए, तो हमने हमारी हाउस मीटिंग में 8 गेट पास किए थे, उनमें से रेलवे गेट बन के तैयार है आप लोगों के सामने, जिसका कल परसों में ही इनॉग्रेशन हो जाएगा। और भी हमारे गेट जल्दी ही बनने वाले हैं, कोठी गेट है, सीवन गेट है, जल्दी जल्दी सभी की तैयारी शुरू हो गई है। मैडम कुछ काम ऐसे थे जिस तरह चिल्ड्रन पार्क में जो बोटिंग का काम था वो अधूरा पड़ा है, उससे कुछ रिवेन्यू आएगा? हाँ जी, उसके बारे में क्या? बिल्कुल, हमने इसका भी टेंडर लगा दिया है, बहुत ही जल्दी इसका भी इनॉग्रेशन होने वाला है, बोटिंग शुरू हो चुकी है, इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा अभी एक दो दिन में। जी, कैथल में और पाम ट्री का विस्तार से कब से शुरू हो जाएगा मैडम? कल ही से हमने पाम ट्री का शुरू कर दिया है, ट्रायल लाइट्स भी लगी हैं और हर एक जगह पाम ट्रीज और ट्रायल लाइट दोनों का काम शुरू हो चुका है। नए टेंडर भी लगाए हैं? जी बिल्कुल, हमने नए टेंडर लगाए हैं, शहर की व्यवस्था को देखते हुए, सफाई व्यवस्था को देखते हुए पार्कों के लिए हमने नए टेंडर भी लगा दिए हैं, जल्द से इसी हफ्ते में बल्कि सभी काम शुरू हो जाएंगे।